आ रहा हूं। ताजिरों में कमाई का महीना नहीं हूं, नए कपड़े सिलवाने का महीना नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम ईदी खरीदी के नाम पर पूरा महीना बाजार में निकाल दो। मैं सिर्फ तुम्हें भूखा रखने के लिए नहीं आ रहा हूं, इबादतों में दिखावा करो इसलिए नहीं आ रहा हूं, जकात और फितरे के नाम पर नामुनमूद बटोरो इसलिए नहीं आ रहा हूं, इफ्तार पार्टी के नाम पर फजूल खर्ची करो इसलिए नहीं आ रहा हूं, इबादतों में दिखावा करो इसलिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम रोजे रखो और फिर सारा सारा दिन सोए रहो, रोजा रखो और फोन से चिपक कर बैठ जाओ, इसलिए नहीं आ रहा हूं कि इफ्तारी के मौके पर खूब पेट भर कर खाओ और ईशा और तरावी की नमाज कजा करके खर्राटे भरो। मैं तो आता हूं अपने रब की रहमतों, बरकतों और मगफिरतों की सौगात लेकर, मगर तुम उसको हासिल करने के बजाय तिजारत के हिसाबों किताब में लग जाते हो। रोजा रखकर यूं समझते हो कि मैंने तीर मार लिया, अरे मैं तो साल भर के तुम्हारे गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत का परवाना बनकर आता हूं, मगर तुम रोजा रखकर भी गुनाहों से बाज नहीं आते। नौजवानों, नाजायज इश्क रमजान से पहले भी नाजायज और अब भी, मगर तुम तो रमजान में कुछ काम ना होने का बहाना बनाकर सारा सारा दिन मोबाइल पर इश्कबाजी करते रह जाते हो, फिर रोजा रखकर ये गुनाह कैसा? गलत वीडियोस और मौसीकी सुनना हर वक्त हराम, मगर यहां तो रोजे की हालत में या तो सोकर या फिर मोबाइल में गुजारा होता है। मैं इसलिए तो नहीं आया, मैं रहमान की रहमत बनकर, गफ्फार की मगफिरत बनकर आया था, मगर तुमने तो मेरी रत्ती बराबर मेजबानी नहीं करते, और जो करते हैं मैं कुर्बान जाऊं उन पर। मेरा ये एक दिन नहीं गुजरता है और वो अफसोस करते रह जाते हैं कि एक दिन गुजर गया, और फिर रात दिन कुरान की तिलावत से, तस्बीह और नमाजों से, दुआओं और इल्तिजाओं से अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। हर पल वो अपने खालिक से अपने गुनाहों की शिकायत करते हैं और रहमतें लूटते हैं, बरकतें हासिल करते हैं, मगफिरत के परवाने अपने नाम कर लेते हैं। मैं आता भी इसीलिए हूं, तुम भूल मत जाना, मैं जब तुम्हारे आंगन में कदम रखूंगा तो मेरा हर लम्हा हजारों लम्हों से बेहतर है, क्योंकि मैं ऐसा महीना जिसमें हर लम्हा अल्लाह की रहमत बरसती है। मैं कभी तुमको रोजा बनकर आवाज देता हूं, कभी इफ्तारी की दुआ बनकर, कभी सहरी से थोड़ी देर कब्ल उठ के अपने रब से इल्तिजा करके उसे मनाने की दरख्वास्त करता हूं, कभी रहमत के 10 दिन देता हूं तो कभी मगफिरत के, और कभी जन्नत और जहन्नम की खलासी के दुआ के लिए 10 दिन तुम्हारे हवाले करता हूं, मगर तुम मानते नहीं। अरे होश में आओ भाई, मैं आ रहा हूं, कहां खो गए हो? 11 माह गुनाहों के दलदल में डूबे रहने के बाद अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए मेरे रब ने तुम तक भेजा, तो तुम रोजे के नाम पर खाली पेट रहकर वही झूठ के अंबार, गीबत के बाजार, बात बात पर तकरार, ईद खरीद के नाम पर बीवी से अनबन, पड़ोसी से ताल्लुकी। अरे होश में आओ, अगर मैं चला गया तो मौका हाथ से चला जाएगा और लौटने के लिए 11 महीने लग जाएंगे और जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं कि अगले रमजान तक तुम्हारी सांस चले कि ना चले। पागल ना बन, तैयारी कर मेरी मेजबानी की और मेरी मेहमानी की, दिल से कर, खुलूस से कर, दिखावा मेरे रब को मंजूर नहीं, जो भी कर तन्हाई में उठकर अल्लाह से इल्तिजा करते हुए कर, अभी से मांगना शुरू कर, क्योंकि नेक आमाल का करना भी अल्लाह की तौफीक से होता है। मेरी मेजबानी का मतलब यह नहीं कि घर में खजूर और इफ्तारी और सहरी का राशन जमा कर ले, मेरी मेजबानी का मतलब है नमाज, तरावी, तिलावत कुरान, गुनाहों से इज्तनाब, झूठ, गीबत, फहाशी, नाजायज इश्कबाजी और बाजारों की जीनत बनने से खुद भी बचना और घर की खवातीन को भी उससे बाज रखना। मेरी मेजबानी ऐसी कर कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, और जब रब ही राजी हो जाए तो इस दुनिया से क्या मतलब, जो एक धोखे का घर है। जी हां, धोखे का घर। और हां, मेरी रातों को यूं ही गफलत में सोकर बर्बाद मत करना, अल्लाह से अपना दुखड़ा सुनाना, बर्बा में क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ और हो रहा है, अफगानिस्तान, इराक और शाम और दीगर मुस्लिम ममालिक में जो जुल्म हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उसका दुखड़ा सुनाना अपने रब से, बीते सालों में अपनों और गैरों ने हमसे जो बर्ताव किया उसकी शिकायत करना अपने रब से, वो सुनने वाला है, सबके सुनने वाला है, वो जो सबसे रहीम, सबसे करीम और तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तुम्हारा दुखड़ा सुन लिया तो फिर बेड़ा पार है, नहीं सुना तो फिर सवाब कहीं नहीं गया।